पहली बार देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन अप कर दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्लोबल मार्केट भी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम मिलकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूं स्काई इज द लिमिट। और इसके लिए हमने इन जनरल 49% एफडीआई ओपन अप कर दिया है, लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री अगर है डिफेंस में तो उसमें हम 100% तक जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा। हमने इंश्योरेंस क्षेत्र को 49% खोल दिया है। रियल एस्टेट, और मैं मानता हूं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट उसकी बहुत संभावना है। एक तो सरकार का अपना एक कार्यक्रम है 2022, जबकि भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा, हम 50 मिलियन एफोर्डेबल हाउस बनाना चाहते हैं, लो कॉस्ट। 50 मिलियन हाउस बनाना मतलब भारत के अंदर अनेक छोटे छोटे नए देश बनाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, वेयर हाउसिंग नेटवर्क। आज भारत में 30% एग्रो प्रोडक्ट रख रखाव की व्यवस्था के अभाव में वेस्ट जाता है, और मैं मानता हूं एग्रो प्रोडक्ट का वेस्ट जाना एक प्रकार का क्राइम है। मैं ये 30% को बचाना चाहता हूं, जो मैं मेरे देश की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो अतिरिक्त होगा दुनिया के गरीब देशों के लिए काम आना चाहिए। मैं वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इसका बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूं। आपकी बात सही है कि आज ग्लोबलाइजेशन के युग में पोर्ट सेक्टर की बहुत संभावना है, और देशों की तुलना में हम काफी पीछे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने काफी गति बढ़ाई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को हमने प्रमोट किया है। भारत ने टूरिज्म को टैप नहीं किया है। आज दुनिया में टूरिज्म $3 ट्रिलियन का बिजनेस है, भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारत में बहुत संभावना है, दुनिया के लिए अजूबा है, भारत क्या कर सकता है। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जिस लेवल पे इस काम को बढ़ाया है, आज आप दुनिया को यहां का रेगिस्तान देखने के लिए मजबूर कर सकते हो, ये ताकत आपने दिखाई है। तो भारत के पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा आपके एक्सपर्टाइज हमारे साथ जुड़ जाए तो सारी दुनिया को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, आज भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। मैं आपको यहां निमंत्रण देने आया हूं, और मैं मानता हूं आज भारत में $1 ट्रिलियन की इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की संभावना है। और मैं 1 ट्रिलियन बोलता हूं तो ऐसे नहीं कि मैं, मुझे समझ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे पक्की समझ है कि 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन का क्या फर्क होता है। उसके बाद भी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि $1 ट्रिलियन की संभावना इमीडिएट पड़ी हुई है।